हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है बेसिकली एक बहुत बड़े स्टील प्लांट की तरफ से यहाँ पे बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी कंपनी देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर बल्क में हायरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली इस कंपनी के बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करके कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिनके साथ अभी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। इवन ये अभी रेलवे के साथ भी काम कर रहा है, नाही के साथ इन्होंने काम कर रखा है, नाही के साथ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके साथ भी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अब इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा के साथ अब इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, भूषण स्टील के साथ अब इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। इवन यहाँ पे आपको रेलवे के साथ भी प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, उसी के रिगार्डिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बल्क में हायरिंग रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स 800 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी वो आपको बहुत सारी अलग अलग पोजीशन देखने को मिल जाएगी, लाइक टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, सीनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, माइनिंग इंजीनियर का पोजीशन आपके यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इवन कैसे अपने को अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस को मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन के बारे में बताऊंगा। टेक्नीशियन का पोजीशन रहेगा, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, सीनियर इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिलेगा और माइनिंग इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। और भी अदर पोजीशन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। और ये सारी की सारी वैकेंसी आपके लिए परमानेंट रहने वाली है, इसमें कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, परमानेंट वैकेंसी आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, इवन डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने BBTech किया है तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। इवन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है लाइक BA BCom BSc कर रखा है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो ऑनलाइन इंटरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि घर पे बैठ के आप आराम से इंटरव्यू दे पाएंगे। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 रुपया पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और अप्लाई मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, इवन टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जल्दी से जाके ज्वाइन लेना। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि मैं अक्सर YouTube पे पोस्ट नहीं कर पाता, और YouTube पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। अप्लाई का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली अप्लाई लिंक तक पहुंच जाएंगे। और अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेना क्योंकि यहां पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा रखा है कि आपको एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है। तो यहां पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी लिंक्डइन की तरफ से। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर ले, फ्री का ऐप है, आपको यहां पे 1 रुपया पे नहीं करना, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, आप जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया लिंक्डइन पे तो जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया क्योंकि मैं वहां पे पर डे 10 से
15 जॉब्स अपडेट डालता रहता हूँ, आप ही की ब्रांच के अकॉर्डिंग सारा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वैकेंसी निकाली गई है वो शरद नायडू की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिन्होंने यहाँ पे जॉब पोस्ट डाल रखा है। बेसिकली ये HR आपको देखने को मिलेंगे इसी कंपनी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील इंडस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी पोजिशन देखने को मिलेगी। तो इन सारे मैंने पिक्स को अलग टैब में ओपन कर रखा है। यहाँ पे जॉब की पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी, MSP स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकाला गया। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रायगढ़ का जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका सैलरी क्या रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा यहाँ पे, डेजिग्नेशन क्या रहेगा, कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, और यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आपका सैलरी क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी है, BA BCom यहाँ पे मांगा है, एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा मांगा है और यहाँ पे 20,000 से 30,000 रुपए पे कर रहे हैं। हम बात करते हैं डायरेक्टली उन वैकेंसी के बारे में जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, BBTech यहाँ पे मांगा गया है, 30,000 रुपए पर मंथ ये पे करेंगे, 5 साल तक का ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अगर आपको 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस रहेंगे यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने की, क्योंकि बल्क में हायरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, मैनेजर की पोस्ट रहेगी, BBTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर निकाला गया है, फिटर के अंदर आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ITI किया फिटर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने बोला 18,000 से 20,000 रुपए पे कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर रही है, जब भी आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपसे बोलेंगे कि लास्ट के 3 मंथ का जो सैलरी स्लिप है आपको बस वही दिखाना है। तो आपके अकाउंट के अंदर जो भी पेमेंट आया है कंपनी के थ्रू आपको उसी का पासबुक का जो आपका आपको जेरोक्स करवाना है उसी का आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा डायरेक्टली। टेंशन लेने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, ITI की आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, मैनेजर की पोस्ट रहेगी, BBTech वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपका 70,000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको ऑफिसर का देखने को मिलेगा, BA BCom वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन का, जिसके अंदर ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ये सैलरी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा इंजीनियर का, BBTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन आपको डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिक फिटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने ITI की है इसी ब्रांच से इसी ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी रहने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं इनका मेल ID दे रखा है, इसी मेल ID पे आपको यहां पे मेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहां पे MSP स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगा, जॉब लोकेशन आपका देखने को मिलेगा रायगढ़, सेम आपका रहेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिवीजन रहेगा SMS का डिवीजन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको यहां पे ग्रेडर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन का देखने को मिलेगा, BA BCom की अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये पे करने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लैडल फॉरमैन का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ITI वाले यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, BSc वाले यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी यहां पे दे रखा है, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, BBTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से BBTech किया होना जरूरी है, शिफ्ट मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने BSc BBTech किया है अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका रहेगा, मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, BBTech की आप अप्लाई कर पाएंगे, 75,000 के अप्रोक्स आपका सैलरी रहेगा। असिस्टेंट केमिस्ट का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा BSc वालों के लिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिलेगा स्टोर के अंदर, BA BCom की आप अप्लाई कर पाएंगे, 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन ITI वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ITI की अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सैलरी रहेगा 25,000 रुपए के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इसी मेल ID पे आपको यहाँ पे मेल करना है, कैसे मेल करना है कवर लेटर के साथ उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका बिजनेस एक्सीलेंस का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो पहला वैकेंसी निकाला गया है वो इंजीनियर का निकाला गया है, BBTech की है, आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 8 साल तक एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपका इंजीनियर का रहेगा, डिपार्टमेंट आपका रहेगा कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, BBTech की आप अप्लाई कर सकते हैं, 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने BA BCom की है,
आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका 25,000 रुपये रहेगा। लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। रेलवे के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बीबीटेक की आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहेगा। सीनियर इलेक्ट्रीशियन का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी। आईटीआई की अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सैलरी आपके सामने आपका दे रखा है। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा मैनेजर का, जिसके अंदर अगर आपने बीबीटेक की आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन का रहेगा। सैलरी आपका 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो इसके अंदर ऑटोमोबाइल का सेक्टर देखने को मिल जाएगा, स्टोर का देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलेगा। बीए बीकॉम की है, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर जैसी पोजीशन देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोकैड इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बी प्लस आपने ऑटोकैड का नॉलेज होना जरूरी है, 2 से 8 साल तक एक्सपीरियंस मांगा है। 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पे करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सीनियर ऑफिसर का, असिस्टेंट मैनेजर का और ड्यूटी मैनेजर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारी पोजीशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कि सारे लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको इस मेल आईडी पे क्या करना है, अपने सीवी को मेल करना है, कवर लेटर के साथ मेल करना है, ध्यान रखिएगा। अब आपको कवर लेटर कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी बीबीटेक किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना। और बीबीटेक किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो बीबीटेक को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए, ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीबीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ। एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। हम बता रहा हूँ कि आपको मेल कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कंपोज का, तो आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका मेल आईडी रहेगा, जिस भी मेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हैं, जो मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके यहाँ पे 2 के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है। देन फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट के अंदर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन फिर आता है कंपोज ईमेल, तो आपको मैंने जो कवर लेटर दिया है उसको आपको यहीं अटैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपको कवर लेटर को कर देना है कॉपी। आप इसको एडिट कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसको एडिट करना है। नॉर्मली आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटा देनी है। डियर सर मैम ये आ जाएगा, और नेम को हटा के आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। देन फिर आता है यहाँ पे आपको सीवी को कैसे अटैच करना है।
ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अटैच फाइल का, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिस भी ड्राइव के अंदर आपका सीवी है, रिज्यूम है, उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डायरेक्ट का, सेंड का, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। ये डायरेक्टली आपका मेल सेंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक्डइन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।